नमस्ते। अब तो आप सब लोग हमको पहचानते होंगे, इतना प्यार जो दिए। लेकिन जो लोग नहीं पहचानते ना, उनके लिए नमस्ते। हमारा नाम है मुकुंद मिश्रा। कुछ दिन पहले हम आप सबके सामने हमारे दिल की बात रखे थे, लेकिन साला एक चीज़ हम बोलना ही भूल गए। ये जो साला मुकुंद मिश्रा है ना, ये असल में है ही नहीं। ये एक कलाकार है प्रथमेश बर्गे, उन्होंने ये किरदार लिखा। अब हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, आप उनसे ही मिल लीजिएगा। नमस्ते। हम ही मुकुंद मिश्रा है और हम ही प्रथमेश बर्गे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रथमेश बर्गे और मैं मुंबई बेस्ड एक्टर हूँ। और इससे पहले मैं कुछ बोलूँ, मैं सबको बहुत 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 ज़्यादा बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जेन्युइनली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इस काइंड का सपोर्ट मिलेगा। मेरे वीडियो को इतना लोग शेयर करेंगे, इतने बड़े बड़े लोग शेयर करेंगे, मुझे DM करेंगे। मतलब 10K के सपने देखने वाले लड़के को आपने 10 मिलियन व्यूज़ तक पहुंचा दिया। और मतलब थैंक यू फॉर लाइकिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और जिन लोगों ने प्यारे प्यारे DMs और कमेंट्स लिखे हैं, मैं जितने लोग को रिप्लाई कर पाया मैंने किया, और जितने बाकी लोग को नहीं कर पाया, आई एम सो सॉरी और थैंक यू। और मैं यही बोलूँगा कि आपने जब ये वीडियो देखा, आपने सिर्फ मुकुंद मिश्रा नहीं देखा, आपने ये समझा कि मेंटल हेल्थ भी एक इशू है। और दूसरी बात तो आपने ये जाना कि एक आर्टिस्ट कुछ बोलना चाह रहा है, और आपने इस आर्ट को, एक आर्टिस्ट को इतना प्रमोट किया, इतना अप्रिशिएट किया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतने लोग DM करेंगे कि ब्रो तू बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, ब्रो कीप इट अप। मतलब मैं बस रोना वाके छोड़ दिया आप लोग ने। और मैं फिर से यही कहूँगा कि मुकुंद मिश्रा एक फिक्शनल कैरेक्टर है, और मैं प्रथमेश बर्गे ने वो कैरेक्टर प्ले किया मेरे मोनो एक्ट में। और मुकुंद मिश्रा भले ही फिक्शनल हो, लेकिन आप सब लोग ने उस कैरेक्टर को ज़िंदा किया। उस कैरेक्टर को आप, अब वो अमर हो गया है वो कैरेक्टर। और वो कैरेक्टर भले ही फिक्शनल हो, लेकिन अपने आसपास ऐसे कई मुकुंद मिश्रा हैं, ऐसे कई लोग हैं, मतलब आपके ही दोस्त हैं, जो मतलब आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बात कर नहीं पा रहे। तो ऐसे लोगों से बात कीजिए, उनकी बात सुनिए और उनको बहुत सारा हंसाए। और एक चीज़ बोलूँगा, एक आर्टिस्ट जब उसका आर्ट बनाता है, तब उसको अच्छा करने के लिए वो काफ़ी मेहनत करता है। लेकिन मैंने देखा कि कुछ लोग फेक मुकुंद मिश्रा क्रिएट कर रहे हैं, उसकी फेक बैक स्टोरी बना रहे हैं, और मतलब सिंपथी गेन करके लोगों तक गलत मैसेज पहुंचा रहे। तो मैं बस उन लोग को कहना चाहता हूँ कि ऐसा मत कीजिए, बाकी सब आप पे है। और फिर से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ यार, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना सारा, बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी ये, लेकिन ये सब देख के मैं बहुत मोटिवेट हो गया हूँ। मैं ज़रूर आपको, आप कंटेंट आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, आपको हंसाता रहूँगा, आपको रुलाता रहूँगा। तब तक आपका ये दोस्त प्रथमेश AKA मुकुंद मिश्रा आपको अलविदा कहते हैं। थैंक यू। हेलो गाइस, आई एम फ्रॉम CBSE। आप मेरा सिस्टर चार्ट देख के पता कर सकते हैं कि मैं एक CBSE बोर्ड की छात्रा हूँ। इसमें बताने वाली कोई बात नहीं थी, पर मैंने आपका 8 सेकंड वेस्ट किया, उसके लिए माफ़ी। देखिए, ना तो CBSE वाले पैतरा देते हैं, ना कोई डीलिंग देते, ये सब ICSE वालों का काम है। तुम लोगों को कौनसी का घमंड है, और तुम लोग हम लोग से हिंदी में काहे नहीं बात करता है। सर, CBSE में मास्टर लोग कितना परेशान होता है, कितना कोशिश करता है कि बच्चा लोग अंग्रेजी में बात करे, 10 रुपया काटता है सर हर दिन हिंदी में बात करते हैं, तो खर्चा समझ रहे हो तुम लोग। पर हम लोग भी एकदम डिटरमाइंड है कि बोलेंगे तो हिंदी ही बोलेंगे, अपना मातृभाषा से बहुत प्रेम है। हम लोग नहीं बोल सकते हैं अंग्रेजी, चाहे चुप रहेंगे, मौन व्रत करेंगे, पर नहीं बोलेंगे। भले अंग्रेजी आता नहीं होता, पर बोल लेते हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे वी कैन ईट इन इंग्लिश,
टॉक इन इंग्लिश। देखिए पर्सनल नहीं हो, अभी हम लोग कुछ और बात कर रहे थे। अच्छा एक बात बता, तुम लोग गाना भी अंग्रेजी सुनता है रे? चार्लिया का सुनता है, वी डोंट टॉक एनी मोर। काहे टॉक नहीं कर रहा रे? टॉक करो, बात करो, तुम डिप्रेशन में चल जाएगा बात नहीं करेगा तो। टॉक ही नहीं करता। अच्छा टॉक से तुमको हिंदी गाना भी चाहिए होगा, तो एक तो हार्दिक का है ना गाना, वो तुम्हारा क्या बात है, ये टॉके पे गाना बना है, ये सुनो तुम। तुम हिंदी गाना आपसे सुनेगा, तुम ICIC वाला आपसे हिंदी गाना सुनेगा, हम नहीं जानते हैं। और तुम लोग का एक तो सीना जोरी हमको पसंद नहीं आता, तुम हम लोग का NCERT बुक पढ़ता, हम लोग जाते रहे तुम लोग का कोई बुक पढ़ने? नहीं जाते हैं। तुम हम लोग का NCERT पढ़ता है, तारीफों नहीं करता है, कुछ पढ़ने के बाद बोलता है डिटेल में नहीं दिया। क्या डिटेल चाहिए? हम लोग लाइब्रेरी में कोई बुक अच्छा लगता है पढ़ते हैं तो तारीफ़ करते हैं, और बाकायदा तारीफ करके मास्टर के पास चोरी करके ले जाते हैं। एकदम तुम लोग जैसा नहीं है कि तारीफ एकदम नहीं करेंगे, ये सब गलत बात है। एक तो यहाँ पे आके पढ़ते हो 10 के बाद, उसके बाद बुराई भी करते हो स्कूल का, टीचर का, हर कुछ का, ये कोई बात हुआ? देखो बोर्ड तो मतलब दोनों बोर्ड एजुकेशन देता है, ये तो मान ही रहे, चाहे वो ICSE हो चाहे CBSE हो, पर आगे काम खाली CBSE आता है, ये तुम लोग मानो, हम नहीं जानते, मानो, जबरदस्ती मानना है मानो, पर आज मानो। अलविदा। नमस्ते। तो जितने लोग तक ये वीडियो पहुँचे ना, कृपया पूरी देख लीजिएगा। नमस्ते, हमारा नाम है मुकुंद मिश्रा, हम मुंबई के ICST कॉलेज के इंजीनियरिंग के दूसरे साल में हैं, यहाँ पर पनवेल में एज ए पेइंग गेस्ट रहते हैं, और मतलब ये हमारे ज़िंदगी का फर्स्ट वीडियो है, मतलब 19 बार रीटेक दे चुके हैं, ज़रा कॉन्फिडेंस ला रहे थे। वैसे हम UP से हैं, UP के जौनपुर ज़िले में हमारा गांव है, और हमारे पिताजी मनोहर लाल मिश्रा हमारे गांव की पाठशाला के हेडमास्टर, मतलब गांव के सबसे पढ़े लिखे आदमी। अब हमारे पिताजी ना हमें भी खुद की तरह ऐसा पढ़ा लिखा नवाब बनाना चाहते थे, इसलिए यहाँ भेज दिए। अब बचपन में ना हम फैन देखकर बोले थे कि बड़े होकर हम मशीन बनाएंगे, अब साला छोटे बच्चे को थोड़ी पता होता है कि उसको सिर्फ मशीन बनाने के लिए MIT EIT बिट सेट जेई मेन जेई एडवांस ये सब देना पड़ता है। अब छोटा बच्चा था, गलती से बोल दिया, अब उसी गलती की सज़ा हम रोज़ ही काट रहे हैं। उसके बाद ना हमारे पिताजी हमको रोज़ सुबह कहते, उठ जाओ हमारे मैकेनिकल इंजीनियर, हमें गांव का कल बदलना है। पूरे गांव में डिंडोरा पिटवा दिए थे कि हमारा बच्चा इस गांव का फर्स्ट इंजीनियर बनेगा। अब साला इस मोड़ पे पहुंच गए थे ना कि हम मना भी नहीं कर सकते थे कि पिताजी हमको इंजीनियरिंग नहीं करना, मतलब पिताजी की इज्जत चली जाती थी। हमको हमको क्रिकेट बहुत अच्छा लगता था, कहीं और ज़्यादा अच्छा ना लगने लगे इसलिए छोड़ दिए। उसके बाद हमारे पिताजी हमसे कहे कि बेटा अगर ज़िंदगी में तरक्की करनी है ना तो ये गांव के दोस्तों के साथ घूमना फिरना ये बंद कर दो। तो हम बचपन के दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी बंद कर दिए। हमको याद है हम 10वीं का पड़ाव बहुत ही जोर से पार किए थे, मतलब पूरे ज़िले में 7वें आए थे हम, और इनाम के तौर पर हमें पिताजी ये सैमसंग का फ़ोन दे दिए। हमसे कहे कि बेटा जब मैकेनिकल इंजीनियर बनोगे तब टच स्क्रीन वाला दिलाएंगे, अब जब साला मैकेनिकल इंजीनियर बनेंगे तब इनसे थोड़ी ना मांगेंगे फ़ोन, हम बर्बाद ना हो इसलिए नहीं देते, और हमको इस चीज़ से दिक्कत भी नहीं थी। अब हमारे गांव की पाठशाला में एक ही कंप्यूटर है, उसमें हम पढ़ाई के बहाने FB अकाउंट बनाए थे जिसको हम इस्तेमाल ही नहीं किए। अब साला हमारे पिताजी का ना बहुत इच्छा था कि हम बम्बई के बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, तो हमको यहाँ फट से भेज दिए, तो हम भी खुद के ही खिलाफ यहाँ आ गए। माँ बहन खेत हमारी पाठशाला दोस्त जिनको अलविदा भी नहीं भूल सके, उन सबको छोड़ के यहाँ आ गए। वैसे ये बम्बई शहर ना बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, मतलब ज़्यादा घूमे नहीं है लेकिन सुना बहुत है, और हम जैसे जो बाहर के लोग आते हैं ना उनको
बम्बई, अरनबी बम्बई, ये सेम ही चीज़ लगता है, लेकिन यहाँ के पता चलता है कि भैया ये दोनों दुनिया ही अलग है। अब जब हम एडमिशन्स के लिए आए थे ना कॉलेज, तो ऐसा ऊंची इमारतें, ऐसा बड़ा प्ले ग्राउंड, ऐसा अंदर होटल, कैंटीन, कैंटीन देख के ऐसा मतलब पागल हो गए थे। अब हमारे बैच में ना एक 80 स्टूडेंट्स हैं, हम अकेले ही यूपी से हैं। अब हमारे पिताजी हमको सब सिखाए, लेकिन साला दोस्त बनाना नहीं सिखाए और लोगों से बात करना नहीं सिखाए, तो हम अकेले ही थे। और यहाँ के बच्चे भी ना बहुत ही अलग, मतलब कैसे बताए, मतलब बहुत ही मॉडर्न और फैशनेबल है। मतलब ऐसा गॉगल पे, जैकेट पे, केटीएम पे, ऐसा कॉलेज आते हैं। और मतलब कुछ लड़कियां हैं जो ऐसा स्कर्ट में, मतलब हमको इस चीज़ से दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बस हम पहली बार देखे तो थोड़ा गड़बड़ा गए थे। और कुछ स्टूडेंट्स तो चड्डी पे कॉलेज आते हैं, साला 1 साल के सफ़र में हम कभी हमारे पीजी के बाहर भी चड्डी पे नहीं गए। और भैया अंग्रेजी तो इतना तेज़ बोलते हैं ना कि समझना छोड़िए, सुनने में भी बड़ी दिक्कत होती है। मतलब हम इनकी तरह कूल नहीं थे, हम ना सिगरेट पीते, ना दारू पीते, ना नशे करते, ना कोई गर्लफ्रेंड के चक्कर में थे। और हमारे कपड़े भैया, मतलब एक फॉर्मल शर्ट, एक फॉर्मल पैंट, हाथ में पापा की घड़ी या चश्मा और नीचे सैंडल, और इस्त्री भी हम खुद ही करते थे। और बाल अभी बढ़ाए बाल, वरना पूरा मिलिट्री कट रखे थे। वो बाज वाला चिंटू है ना, हमको मतलब बाल देख के यही उम्र में अंकल बुलाता है। अभी हम मतलब ये सबको अगर बाजू में रखें ना, तो हम वैसे बहुत होशियार हैं। मतलब खुद की तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे कुछ उसूल है, जैसे कि हम बंक नहीं करेंगे, असाइनमेंट्स टाइम पे देंगे, जो भी है ईमानदारी से करेंगे। अभी 2-3 महीने पहले का बात है, हमारा सेम 2 का एग्ज़ाम्स पास में आ रहा था, तो धीरे धीरे सब हमारे साथ ऐसा ही हाय बाय बोलने लगे, हमारे साथ बात करने लगे, हमारे मतलब फर्स्ट बेंच में बाजू में बैठने लगे, हमको बोले कि हमको मतलब कैंटीन घुमाए, हमको प्लेग्राउंड घुमाए, हमको मॉल घुमाए, हमको चीज़ फ्रेंकी सैंडविच, मतलब बहुत नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन बहुत बहुत कुछ खिलाए। और हम उनको मतलब जितने भी पढ़ाए उसके नोट्स देते, फिर उनको लाइब्रेरी में लेक्चर देते। और मतलब साला इतना कॉन्फिडेंट ना हम कभी ज़िंदगी में फील नहीं किए थे। और हमको ना मतलब लड़की लोग भी नंबर शेयर करने लगी, तो हम थोड़ा गड़बड़ा जाते थे उधर। मतलब अचानक इतना सारा आ गया ना कि हम पागल हो गए थे, मतलब बहुत ही खुश थे हम। मतलब हमारे ज़िंदगी का ना ये बेस्ट पीरियड कह सकते हैं। अभी हमारा ना ये वॉचमैन है ना जो नीचे, उनका यही फ़ोन पे हम वीडियो बना रहे हैं, तो उनका एंड्रॉयड फ़ोन है और उनको चलाने नहीं आता है, तो हम उन पे हमको दे देते हैं फ़ोन, तो उनके फ़ोन पे ऐप भी खोल के हम सबको फ्रेंड भी बना लिए। तो हमारा ना 2 पेपर अच्छे से हो गए, हम धम धम सबको पेपर दिखाए, सबको आंसर्स बताए। तो क्या हुआ ना कि ये कोरोना की वजह से जो बाकी का पेपर था वो कैंसिल हो गया। तो उसके बाद ना जैसा कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन हुआ तो सब अपने अपने घर में, तो हमको सारा सबका टेक्स्ट आना बंद, ना हमको किसी का कॉल आता, अगर हम सामने से भी करें तो भी कोई उठाता नहीं या कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। हमको एक एक लड़की का मैसेज आया था कि थैंक यू मुकुंद फॉर योर हेल्प, मीन्स अलॉट। तो हम कहे कि यू आर वेलकम, हाउ आर यू, तो उसका भी रिप्लाई नहीं आया। हम सोचे कि हम ऐसा क्या कर दिए, कुछ गलत बोल दिए क्या किसी को। अभी तो हम सोचे कि साला हम कूल बनने के लिए ना फेसबुक पर मीम्स सबको शेयर करते हैं, तो सबका रिएक्शन तो आएगा, लेकिन उधर भी कोई किसी का रिएक्शन नहीं आया। मतलब हम बहुत कोशिश कर रहे थे बात करने का। हम मतलब अभी एक अकेला इंसान घर में पड़ेगा भी कितना, हम ना गेम खेल सकते थे, ना पिक्चर देख सकते थे, ना किसी से मतलब घूमने के लिए बाहर जा सकते थे। हम बहुत सोने लगे थे, हम बहुत चिड़चिड़े हो गए थे, बीच में ही रोते थे, बीच में ही गुस्सा होते थे, हम ज़्यादा सोने लगे थे। मतलब हम हमारा काबू ही खुद से हट गया था। हम मतलब अभी देखिए ना, हम जो चीज़ ज़िंदगी में नहीं कहे वो पहली बार कर रहे हैं, जैसे कि हम पहली बार वीडियो बना रहे हैं।
हम पिताजी को बोलने का भी कोशिश किए कि पिताजी हमको ठीक नहीं लग रहे हैं, हम मतलब थोड़े गुस्सा हो रहे हैं, थोड़े ज़्यादा रो रहे हैं, या हम बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। तो हमारे पिताजी हमसे कहे कि बेटा ये जिंदगी का मोड़ है, ये सबके साथ होता है, हमारे साथ हुआ, तुम्हारे दादाजी के साथ हुआ, ये आएगा और चला जाएगा। हमारे पिताजी समझने की कोशिश ही नहीं किए कि हम क्या कहना चाह रहे थे। अब हम ना एन्जाइटी और डिप्रेशन ये सब में विश्वास नहीं रखते थे, पर साला जब वो इंसान को होता है ना वो चीज़, तब तब ही समझ आता है कि भाई ऐसा मानसिक बीमारी करके भी कुछ तो होता है। अब हमारे गांव में ना मानसिक बीमारी का दो ही मतलब है, एक तो भूतबाधा और दूसरी मतलब ये पागल हो गए। साला हम गुस्सा हमारे दादाजी से नहीं है ना, हम गुस्सा हमारे पिताजी से, हम गुस्सा इस समाज से है जो जब सर दुखता है तो हार्ट में फट से डिस्प्रिन दे देता है, लेकिन साला जब दिमागी हालत ठीक ना हो तो मुंह ही फेर लेता है। अब साला परसों का ये बात है, हम उसी उम्मीद में फोन लिए थे कि हम देखने कि फेसबुक पे हमको गलती से किसी का मैसेज आया रहेगा, तो हम खोले तो देखे कि सबने स्टोरी शेयर किए थे और उसमें लिखा था, क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि इफ यू फील लोनली यू टॉक टू मी, आई बेटर सी यू लाफिंग इंस्टेड ऑफ सीइंग इन योर ग्रेव, एंड सुसाइड इज नॉट द ऑप्शन। अब हम का बोले बे, और कितना गिरोगे बे तुम लोग। गए 1 महीने से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे कोई बात करो, बात करो, हमारा फोन उठाओ, हमसे हम तरस रहे थे कि हम हमारी सुनो मत, लेकिन हमसे बात तो करो, हमको तो जानो कि हमको क्या हो रहा है। साला एक फेमस इंसान अगर सुसाइड कर ले तो सबको इस चीज का फर्क पड़ता है, लेकिन आपको पता है क्या, साला हर 1 घंटे में एक ही स्टूडेंट भारत में आत्महत्या करता है, लेकिन तभी किसी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो फेमस थोड़ी ना है। ये फर्क छोड़िए, ये ना, ये सोशल मीडिया को चलाने के लिए ये लोगों को कंटेंट मिल गया, और ये जो कंटेंट है ना ये इंसान की जिंदगी से भी बहुत ही प्यारा है। अभी 2-3 हफ्ते और गए ना, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा का एंजाइटी और का डिप्रेशन। साला वो दर्द ही बहुत अलग होता है जब दर्द बांटने के लिए भी कोई नहीं होता। अब हम यही कहना चाहते हैं कि अगर ये सोशल मीडिया की दुनिया से निकले और आजू बाजू देखे कि लोग रुके आपसे आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं अकेले, तो उनसे बात कीजिए, उनको ऐसा मुंह मत फेरिए। अगर ये बोलते वक्त हम किसी का दिल दुखाए रहेंगे तो माफ कर दीजिएगा, हमारा उद्देश्य नहीं था। हमको सुनने के लिए आपका बहुत सारा शुक्रिया, धन्यवाद।